अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, MMR किचन में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाएंगे चिकन की लगन की सीख, जिसके लिए हमको लगेगा हरी धनिया, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, पुदीना, चार छिली हुई प्याज, 8 अंडे, आधा किलो चिकन का कीमा, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, मिर्ची का पेस्ट आधा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज को खुरच लेते हैं। तो हमने चारों प्याज खुरच लिए। चलिए अब बैदा फेंट लेते हैं। अब हम अंडे में 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड करें और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम एक लगन ले लेंगे, जिसमें हमको लगन की सीख बनानी है। उसमें कीमा डाल देंगे चिकन का और हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, पुदीना, हरी धनिया और 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने मटन के खीमे की लगन की सीख भी बनाई है, उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। हमें ये चिकन को मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिकन का है तो ये जल्दी गल जाएगा। अगर मटन का होता तो 2 घंटा हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते थे, ताकि अच्छे से गल जाता था। तो चलिए, जो हमने प्याज खुरच के लिया था उसका पानी निकाल लेते हैं। लगन की सीख में प्याज को निचोड़ कर डालना बहुत ही ज़रूरी है। हमने आधा कप तेल गरम होने रख दिया है। तो चलिए, जो हमने प्याज डाले थे उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से पूरे खीमे में मिक्स हो जाए ये। अच्छी तरह से मसल मसल के मिक्स करना है इसे। और अब हम इसे लगन के अंदर अच्छी तरह से फैला देंगे। फ्रेंड्स, लगन की सीख को लगन में इसलिए बनाया जाता है ताकि अच्छे से गल जाए, कच्चा ना रहे, अच्छे से फैला हुआ रहेगा तो अच्छा गलेगा। तो चलिए, जो हमने फेटा हुआ अंडा रखे थे वो इस पर डाल देंगे। हमने गैस ऑन कर दिया था, हमारी गैस की फ्लेम लो है, और जो हमने गरम किए थे तेल वो भी इसी पर डाल देंगे। इसमें तेल गरम करके डालना ज़रूरी है, ताकि ऊपर जो हमने बेदा डाले वो अच्छे से फ्राई हो जाए। 20 से 25 मिनट के लिए इसे ढक के धीमी आंच पे गलने के लिए रख देंगे। तो 25 मिनट हो चुकी है, अब इसमें थोड़ा पानी लग रहा है, 5 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे इसे। हमारी चिकन की लगन की सीख हो गई है। ये देखिए, पानी वाला हाथ करके आप ऐसा छींटे देंगे तो आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब पानी ख़त्म हो गया है और आपका लगन का सीख गल चुका है। ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके पीसेस कर देंगे। हमारे चिकन की लगन की सीख बनके रेडी हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।